हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्तैतो। और इस समय हम आपको बता रहे हैं डी यूनिवर्सिटी का फ़ी इस साल का क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस साल डी यूनिवर्सिटी का फ़ी कम होने वाला है। और फ़ी कम कैसे होने वाला है, तो उस वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट में केस ये है कि डी यूनिवर्सिटी का फ़ी कर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप रेगुलेटरी बॉडी बनाइए और उस एक फ़ी डिसाइड करके हमें बताइए। तो वो बॉडी जो फी डिसाइड करके 7 और 10 जुलाई के बीच सुप्रीम कोर्ट को बताएगी, और नेशनल लेवल पे वही फ़ी होने का चांस है। अगर केस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज केस हार जाते हैं, तो जो फ़ी होंगे वो एक कॉमन फ़ी होंगे सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए आपको अपडेट लेता लेना पड़ेगा, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताते रहेंगे कि कब फ़ी क्या कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने पिछले वीडियो में डी यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक बताया था, आप इसमें भी दिखा लेते हैं। ये सारे क्लोजिंग रैंक थे, आप एक बार झलक में देख सकते हैं। लगभग लगभग 4,50,000 तक को कॉलेज मिल गया था। इस बार क्या फ़ी है, इस बार का फ़ी देखिए, पिछली बार 9 लाख था SDU का, पर फ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सबका। मिनिमम जो फ़ी है वो 14,50,000 है, माफ़ कीजिएगा, मिनिमम फ़ी ये नहीं है। मिनिमम फ़ी जो है वो इसका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 लाख है श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बेंगलोर, और 11-12 लाख के बीच में जो फ़ी है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसका भी 12 लाख फ़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 12 लाख फ़ी है, फिर उसके बाद सिद्धार्थ का 11 लाख फ़ी है, फिर उसके बाद रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका 12 लाख फ़ी है, बाकी सबकी फ़ी 13 लाख 14 लाख। फिर उसके बाद कस्तूरबा का आता है 13 लाख, मणिपाल मैंगलोर, फिर उसके बाद 14 लाख आता है SDU का, बाकी उसके बाद सबकी फ़ी, फिर केस हेज मैंगलोर इसका भी 14 लाख आता है, बाकी आप देख सकते हैं सबकी फ़ी बढ़ती जा रही है। तो ये फ़ी की लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 41 कॉलेज है, 20 लाख तक फ़ी गई है सारी, 20 लाख 22 लाख ऐसे ऐसे फ़ी है। तो ये सारी कॉलेज की फ़ी है, हम स्पॉट में दिखा सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा काउंसलिंग में, तो फ़ी देख लीजिए। और दोस्तों आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। पर बता दें कि ये फ़ी फाइनल फ़ी नहीं है, फ़ी चेंज होगा, ज़्यादा चांस है कि फ़ी कम हो। तो उम्मीद है मीडियम क्लास फैमिली के बच्चों की फ़ी उनके हिसाब से रहे, कुछ कम रहे, क्योंकि मुंबई जो हाई कोर्ट है उन्होंने फ़ी को 13 लाख से ज़्यादा ऊपर रखने का परमिशन नहीं दिया है। तो अगर वो अगर रूल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फ़ी 13 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, तो मीडियम क्लास बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि यह इस इनके फ़ी देख सकते हैं आप, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 22-22 लाख फ़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ी होता है। तो हमने यहाँ पर रैंक भी डिसाइड किया, तो रैंक वाइज भी कॉलेज का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल आपको पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।